नमस्कार, न्यूज टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे नजदीक आती जा रही, बेहद कम वक्त बचा और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पश्चिमी यूपी से इसका शंखनाद शुरू कर दिया है। आज 3 सीटों को वो साधते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ उन्होंने सबसे पहले मीरापुर का रुख किया और मीरापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रचार प्रसार के दौरान एक नया शगुफा जोड़ दिया है। जहाँ दिखे सफाई वहां बिटिया घबराए। तो आज हम इन 3 सीटों पर, जहां गाजियाबाद शहर, मीरापुर और कुंदरकी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जीत का मंत्र जो है वो कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा, साथ ही साथ अपने प्रत्याशियों के हित में वोट की अपील भी होगी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में गौरव हमेशा की तरह हमारे साथ शामिल होंगे और गौरव, हम देख रहे हैं लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी से शंखनाद भी शुरू कर दिया उपचुनाव के प्रचार प्रसार को लेकर। और मीरापुर में जो बात मुख्यमंत्री ने कही है, जहां देखे सफाई वहां बिटिया घबराई, इसकी क्या मायने, क्या अर्थ और एक नया शगुफा के तौर पर इसको देखा जाए? देखिए, अब जो उत्तर प्रदेश है वो पूरी तरीके से चुनाव मोड में आ गया है। उत्तर प्रदेश में जैसे योगी आदित्यनाथ ने आज उपचुनाव के चुनावी आगाज कर दिया है, आपने देखा ये जिस प्रकार से उन्होंने रैली में जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। देखिए, ये ट्रेंड चला आ रहा है, समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार रही है महिला उत्पीड़न का केस हमेशा से बढ़ा रहा है, चाहे वो मुलायम सिंह यादव का दौर रहा हो, चाहे वो अखिलेश यादव का दौर रहा। तो बीजेपी, जो बीजेपी गवर्नमेंट रही, चाहे खासकर योगी आदित्यनाथ रहे हैं, वो हमेशा से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपनी पीठ थपथपाते रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया था समाजवादी पार्टी के पक्ष में, उसके बाद से 3-4 घटनाएं ऐसे समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा की गई, जिसके बाद से एक बार फिर समाजवादी पार्टी के नेता वो सवालों घेरे में चले आए। आपने देखा होगा कि वो अयोध्या वाला वो मामला था जिसमें मोहित खान पे सवाल हुआ था, उसके बाद वो डिम्पल यादव के जो सहयोगी थे, फिलहाल तो वो सपा में नहीं है, कन्नौज से जो वो पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे, जिनकी बुआ वाले भतीजी वाली मामला आया था, उसे ऐसे कई मामले निकल कर सामने आए लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद, जिसके बाद ये पूरी चीज़ें देखने को मिली। नवाब सिंह यादव अपने क्षेत्र में बड़ा रसूखदार व्यक्ति रहे समाजवादी पार्टी के समय, उनको मिनी सीएम तक कहा जाता था जिले में, तो उनका एक रसूख था। तो जिस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ को देखते हैं, तो ये अब चुनावी मोड ऑन हो गया सीएम योगी का और वार प्रतिवार का दौर चालू। देखिए, समाजवादी पार्टी को ही नहीं, राहुल गांधी को भी सीधे तौर पर घेरते नजर आए मुख्यमंत्री तरह से कांग्रेस, क्योंकि खटाखट हमने देखा वो जो लोकसभा चुनाव जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ने चुनावी जनसभाओं में कहना शुरू कर दिया कि ऐसे सरकार आएंगे खटाखट, तो उस पे मजाकिया अंदाज में उन्होंने हालांकि तंज कसते हुए ये भी कही, खटाखट से अब वो खटपट शुरू हो गई है, खटपट सफाचट भी उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में खटाखट से छफाचट शुरू हो गया है, लेकिन अब जल्द ही इनका जो खटपट है वो भी निकल के सामने आ रहा है। हालांकि आपने देखा होगा टिकट वितरण के दौरान किस प्रकार से दोनों पार्टियों के बीच में अनबन सामने आई थी, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि सीएम योगी का पश्चिम उत्तर प्रदेश से चुनावी आगाज करना एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वोटरों को साधने का एक वो चीज़ है। क्योंकि देखिए कि जिस प्रकार से आपने देखा 2017 के विधानसभा चुनाव में, जिस प्रकार से पलायन का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था विधानसभा के चुनाव में, उसके बाद 19 में भी आपने देखा किस प्रकार से अमित शाह वहाँ पहुँचे और पश्चिम यूपी में बराबर मीटिंग करी गई, कितने दिनों के कई दौर की मीटिंग चले, उसके बाद पूरी चीज़ें निकल, तो एक कहीं ना कहीं जो जिस डगर से भारतीय जनता पार्टी बिना डगर डिरेल हो गई थी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ उस डगर पे आते हुए दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने जो एक बेस मूवमेंट थे, जो उनका जो बेस वोट बैंक था, जो कोर उनका एक एजेंडा था, उस एजेंडे पे शिफ्ट होते भी नजर आ रहे हैं, जो हिंदुत्व की बात। चलिए, तो हमने बयानबाजी की बात की है और कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि बीजेपी पटरी पर आते हुए नजर आ रही है, लेकिन अगर मीरापुर सीट में जहाँ पर उन्होंने एक शिगवा छोड़ दिया है, हालांकि उसके बाद अब विरोधी दलों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया सामने वो देख रहा हूँ, लेकिन अगर मीरापुर सीट की बात करें तो इतिहास रहा है कि बाहरी व्यक्ति आते हैं, वोट जीतते हैं और चले जाते हैं, तो इस बार आपको क्या लग रहा है मीरापुर सीट? देखिए, मीरापुर से आपने जब योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुना होगा, तो उन्होंने अपने जनसभा में एक चीज ये भी कहा कि जो इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी है सुम्बुल राणा, उनके पिता को लेकर तंज कसते हुए कहा कि ये सांप्रदायिकता के ये लोग अगुआ रहे हैं, ये लोग तो नेतृत्व करता रहे हैं। उन्होंने अब कादिर राणा पे वोट के किस प्रकार से उनके वहाँ से हथियार बरामद हुए थे, तो वो एक बड़ा चीज़ें हैं। हालांकि जो परिस्थितियां हैं उस सीट की, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है,
थोड़ा सा वो पश्चिम यूपी का वो जाटलैंड का भी प्रभाव दिखता है। तो ये इस बार का चुनाव जो है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है दोनों पार्टियों के अगर हम नजरिए से देखें तो, क्योंकि जब 2022 का चुनाव था तो परिस्थितियाँ अलग थी। भारतीय जनता पार्टी वहाँ अकेले लड़ रही थी और समाजवादी पार्टी और एलएलडी एक साथ लड़ रही थी, तो जो गठजोड़ था मुस्लिम और जाटों का वो मिल जाता था तो आरएलडी के लिए आसानी था। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं। क्या इस बार मुसलमान वोटर बीजेपी के साथ या आरएलडी के साथ जाएंगे? हालांकि वहां तो आरएलडी की ही प्रत्याशी उतरी हैं, लेकिन बात ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ के जाने से वो जो मुसलमान वोटर आरएलडी के पक्ष में थे वो पोलराइज होकर सपा की तरफ जाएंगे, या फिर वो जैन चौधरी से उतना जुड़ाव महसूस करेंगे जितना जुड़ाव 2022 के चुनाव में महसूस किया था? तो सवाल यहाँ बहुत सारा है, फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा। तो देखिए प्रचार प्रसार जारी है, करवट लेते हैं। बिल्कुल, तो देखिए अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हैं, मीरापुर और मीरापुर के बाद कुंदरकी में भी उन्होंने कहीं ना कहीं हुंकार उभरते नजर आए हैं, तो ऐसे में उपचुनावों को लेकर सरगर्मियां और तेज हो चली है। मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ा बयान यहाँ पर दिया है, इस बड़े बयान का जनता पर क्या प्रभाव पड़ते नजर आए? क्योंकि जब जब मुख्यमंत्री बोलते हैं तो लोगों के जहन में वो चीज़ घर करती है और कहीं ना कहीं पे वो वोटों में भी तब्दील होती हुई नजर आती है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे और हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो मीरापुर है, कुंदरकी सीट है और गाजियाबाद शहर सीट है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और मुकाबला भी बेहद दिलचस्प है। पंकज जी से जरा यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समीकरण को समझें। आज जो शिकोफा छोड़ा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या देखिए? ये देखिए कुछ नया नहीं, और ये मतलब एक बीजेपी की रणनीति है, और बीजेपी की जो रणनीति है इस तरह के सगुपे की और इस तरह के समाजवादी पार्टी पे इस तरह से आक्रामक रुख अपनाने की, ये लोकसभा जब के चुनाव का रिजल्ट परिणाम आने के बाद ही समाजवादी पार्टी के कारण ही बीजेपी को लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इतना शिकस्त, एक तरह से हम कहें तो शिकस्त मिली, या ये कहें जो उम्मीद के अनुसार उनका अनुरूप ये नहीं रहा, रिजल्ट नहीं रहा, और उन और सिर्फ बस सिर्फ यूपी के कारण ही उन्हें लोकसभा में जो पूर्ण बहुमत की वो सरकार बनाने में कामयाब नहीं रही। उसके बाद से जैसे ही ये चुनाव लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और उसके बाद बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मंथन किया, उस मंथन के बाद बीजेपी का जो स्ट्रेटजी है वो लगातार समाजवादी पार्टी पे जितना हम हमले प्रहार कर सकते हैं वो कर रहे हैं। सीएम योगी ही नहीं, बीजेपी के तमाम लोग, आप इसको देखिए, जो बीजेपी का जो कोर थिंक है, जिसपे कि बीजेपी का कोर वोटर है, या सीएम योगी का यूएसपी है, तो उस यूएसपी में जो है सुरक्षा व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था में खास करके महिलाओं के आधी आबादी की वो बात करते हैं। तो इसके जैसे ही आप देखेंगे जो पिछले दिनों जब कुछ अपराध के महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले आए थे, उसमें से आप अयोध्या नवाब सिंह यादव वाला आया, मोहित कनौज रेप केस नवाब सिंह यादव वाला, उसके बाद से अयोध्या दुष्कर्म में मोहित खान वाला, उसके बाद से गोमती नगर में जो बरसात के मौसम में एक छेड़छाड़ वाला उस मामले, तो उस सब मामले को लेके उन्होंने यादव और इनका जो गठजोड़ को लेके, मुस्लिम और यादव गठजोड़ को लेके हमला किया था। उस हमले के बाद से लगातार उनका आक्रमण जारी रहा, और जब तो उसी से जोड़कर इसको देखा जाए, और आपको क्या लगता है कि वोटों में तब्दील हो पाए? निश्चित रूप से। अब आप देखिए मीरापुर में उन्होंने क्या किया, मीरापुर में जो आज की रैली थी एक तरह से आज की रैली को उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए सीएम योगी का शंखनाद, ये लोग मतलब ऐसा कहा जा रहा है जो आज से उन्होंने शंखनाद कर दिया। हालांकि वो जैसे ही उपचुनाव का ये सरगर्मियां शुरू हुई थी या लोकसभा चुनाव के बाद ही ये तय हो गया था जो ये 10 सीट हैं 9 सीट हैं यहाँ पे उपचुनाव होने, तो उसके बाद से बीजेपी अपने मंथन में जुट गई थी और अपना जो पन्ना प्रमुख से लेके और मतलब जो प्रारूप तैयार किया था वो धरातल पर। अब देखिए इस चुनाव में अभी जो कल आज जो मीरापुर में उन्होंने कहा, मीरापुर में सबसे पहले वो करते हैं जो हमने चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट किया, जो भाई गंगा स्नान का बड़ा ये धार्मिक त्यौहार है तो लोग कम रुझान होगा तो लोगों को मौका मिलना चाहिए, तो इसलिए हमने चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट किया और चुनाव आयोग ने हमारी बात मान ली तो हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो एक तरह से उन्होंने हिंदू वोटर को साधने की कोशिश की। उसके बाद से उन्होंने देखिए जो बोला वो बोले जो जहाँ देखी सफाई बेटी घबराई, तो अब देखिए इसमें दो दो चीज़ है, एक तो उन्होंने जो वहाँ के जो सांसद ये जो विधायक के वो सपा के उम्मीदवार हैं तो उनको एक तरह से धर्म को लेके उन्होंने क्या मजहबी उस पर आक्रमण किया, और उसी बयान के तरह जो आधी आबादी को बेटियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश उन्होंने की, तो एक मैसेज कहीं ना कहीं उन्होंने जाहिर तौर पर छोड़ दिया। और बीजेपी जो ये बातें जो कर रही है ना, बीजेपी कोई नया नहीं है, अभी आप देखिए जो आने वाले दिनों में, लेकिन ठीक है, 10 दिनों में अभी और नए नए आपको बयान मिलेंगे, वही कि मतलब
मैसेज तो पुराना ही हो सकता है लेकिन कहीं ना कहीं एक नया ब्रांडिंग, उसका ब्रांडिंग और नए शब्दों में उसको उसको पिरोया जा रहा है। अब इस पर विरोधी दल की क्या प्रतिक्रिया आएगी वो तो यहाँ आएंगे, वो पीडीए का फॉर्मूला लेके आएंगे और अखिलेश यादव भी नाले पे दल्ले मारने वाले हैं तो वो भी शांत नहीं, चूंकि उनके लिए भी ये करो या मरो का। और देखिए यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि सीधा जो मुकाबला है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच, मतलब कोई भी पलड़ा ऐसा भी फिलहाल, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं एक पक्ष का पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो कांटे की टक्कर है जो हम शुरुआत से यहाँ पर बात करते आ रहे हैं। खैर ये तो बयानबाजी का हमने देखा है, प्रचार प्रसार है तो जाहिर तौर पर जब संबोधन होगा तो संबोधन में तलखी भी जो है वो दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर हम इन तीनों सीटों की बात करें, मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद शहर जो बेहद महत्वपूर्ण है, तीनों सीटों पर अगर समीकरण पर नजर डालें तो देखिए गाजियाबाद का जो सीट है, गाजियाबाद की सीट मुझे जो मेरा जो आकलन कहता है गाजियाबाद का सीट बीजेपी के लिए एक सेफ सीट हम मान सकते हैं। गाजियाबाद में जिस तरह का वोटिंग पैटर्न है, जिस तरह की आबादी है, जिस तरह का बीजेपी का इतिहास रहा है, कांग्रेस की तरफ से कॉन्फिडेंस, तो देखिए कांग्रेस भी यहाँ पे ठीक है, कांग्रेस प्रेजेंट रही है या कांग्रेस को पिछली बार लोकसभा चुनाव में उनको ये सीट मिल गया था, लेकिन सच यहाँ पे है नहीं, उस तरह का नहीं है। हाँ ये है जो टफ फाइट होगा, लेकिन अभी जो मुझे जो ये मेरा मतलब पर्सनल ये है जो यहाँ पे बीजेपी के पक्ष में थोड़ा सा माहौल बनता है या फिर मतलब बीजेपी के लिए थोड़ा सा रिलैक्स यहाँ बीजेपी कर सकती है, लेकिन बाकी दोनों सीटों की जो आपने बात की तो वहाँ टफ फाइट है। और ये टफ फाइट है इसी वजह से हमने देखा कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री जब तारीखों का ऐलान नहीं हुआ तब भी वो वहाँ पर तीन तीन जनसभाएं जो है इन सीटों पर कर चुके हैं। अब ये जो यहाँ पर उनका दौरा रहा है, यहाँ पर मंच से जो उन्होंने तमाम बातें कही है, न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि कांग्रेस की खटाखट पर भी वो निशाना साधते हैं और कहा सपाचट और खटपट की भी बात करते नजर आए। तो देखिए जब तक देखिए अगर आप ये दिखाएंगे जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि फिर उनका वोट जो है वोट बैंक कंसोलिडेट होगा। तो बीजेपी कभी नहीं चाहती है जो समाजवादी और कांग्रेस का जो वोट है सो कंसोलिडेट हो और एक साथ वो वोट पड़े, तो इसलिए बीजेपी का ये है जो उनमें भी दिखाओ जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है तो उसका इनको फायदा मिल सकता है, तो इसलिए उस तरह की बातें ये कर रहे हैं। और सफासत और इस सीएम योगी के इस बयान का मकसद भी ये है जो आप देखिए वो जो वादे कर रहे हैं उन वादे का कोई मतलब नहीं है, वो धरातल पर आने वाला नहीं है और वो एक तरह से सियासी जुमला है। तो देखिए जाहिर तौर पर लगातार जो है हम उपचुनावों को लेकर आपसे चर्चा करते हैं और आज जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ही दिन में तीन सीटों को साधते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं मीरापुर सीट पर जो उन्होंने अपना संबोधन दिया उसमें एक शिगुफा जरूर छोड़ दिया। और देखिए आने वाले वक्त में इस शिगुफे पर इस पर पलटवार क्या सामने आता है विरोधी दलों की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी। लेकिन देखिए तीनों सीट बेहद महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि पश्चिमी यूपी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस प्रचार प्रसार का शंखनाद किया गया है। अब ऐसे में आने वाले वक्त में यानी चुनावी जो तारीख आएगी उस दिन किस तरह से वोटर्स पर ये लाइनें प्रभाव डालती हैं ये तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ इस चर्चा पर यही विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।